नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कॉटन फैब्रिक से जेंट्स अंडरवियर बिना मियाने का कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप हर साइज की अंडरवियर कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। चले वीडियो शुरू करते हैं। कटिंग शुरू करने से पहले हम ये बता देते हैं कि अंडरवियर के लिए हमें कितना फैब्रिक लेना होता है। तो दोस्तों, कम से कम 80 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक हमें फैब्रिक लेना होता है। तो यह है दोस्तों 94 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें अंडरवियर बनाना है और इसका ब्रिथ जो है, यानी कि अरज जो है 18 इंच है। 18 का डबल हो गया 36 इंच। चलें अब हम फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक, हर चीज़ कुटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हम आपको ये बता देते हैं कि हमें साइज कौन से बनाने हैं। तो यहाँ पे हम 36 साइज बनाएंगे। तो 36 साइज का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हर साइज में आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे साइज है 36, तो चौथा भाग करेंगे 9 इंच, तो 9 इंच पर एक मार्क कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। उसके बाद हम 2.5 इंच प्लस करेंगे म्यानी के लिए, जो हमें डायरेक्ट म्यानी इसी में कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। उसके बाद हम सबसे पहले नीचे एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे उसी मार्किंग के सहारे। तो यहाँ पे हम 1 इंची हेम फोल्ड के लिए मार्किंग करेंगे, 1.25 इंच का हेम फोल्ड करेंगे और 2 सूत मार्जिन जाएगा अंदर। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए मोहरी के लिए। अब हम ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, जिसमें हमें इलास्टिक से फिनिश करना है। तो 1 इंच का हम इलास्टिक डालेंगे, 3 सूत एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। एक और हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको नाड़ा से फिनिश करना है, नाड़ा डालना है, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच पूरा फैब्रिक ले लें ऊपर फोल्डिंग के लिए और मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम ऊपर भी मार्किंग कर लिए। अब हम इसका लंबाई देख लेते हैं। ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों 16 इंच तैयार हुआ। अब यहाँ पे आसन का नाप लेते हैं। तो ऊपर भी हम मार्जिन छोड़ते हुए आसन की मार्किंग करेंगे 13 इंच पे। तो इस तरीके से 13 इंच पे एक मार्किंग कर लिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सीधा ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमें म्याने का कटिंग करने में आसानी होगी। चलें अब हम नीचे मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों साइज का चौथाई हिस्सा हम लेते हैं। ये फार्मूला हर साइज में यूज करेंगे आप। 3 इंच हम प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। उसके बाद हमें शेप देना होगा, तो शेप हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ से हम थोड़ा दूर तक सीधा ले जाएंगे, उसके बाद हम इस तरीके से तिरछा कर लेंगे ऐसे। शेप बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपका शेप बिल्कुल वहाँ पे गोल हो जाएगा, तो ज्वाइंट करने के बाद वहाँ पे नीचे गड्ढा बन जाएगा। उसके बाद 5 इंच का हम म्यानी लगाएंगे उसमें। तो 5 इंच पे एक मार्किंग कर लिए इस तरीके से। अब ऊपर हमें कितना रखना है घेरी, तो जितना आपका मोहरी है उससे 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्किंग किए हैं मोहरी का, तो ऊपर 11 इंच पे हम मार्किंग कर लिए। उसके बाद उसको सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम म्यानी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे वही हिसाब है, 5 इंच हम इस मार्क से ऊपर आ जाएंगे, आसन वाले मार्क जो है वहां से, और ऐसे हम तिरछा एक मार्किंग कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप अंडरवियर कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, तो आपको बहुत ही समय की बचत होती है और इसमें सफाई भी आती है।
सिलाई भी कम लगाना पड़ता है। चलें अब हम कट इन कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कट इन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्टिचिंग करते समय ये चीज़ देखना है कि अंडर बियल कभी भी बनाते हैं तो पक्का बनाते हैं, ताकि उसका मार्जिन फुचड़ा बाहर ना दिखाई दे। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने का तरीका यह है कि कम से कम 3 सूत छोटा बड़ा हम फैब्रिक को ऐसे कर लेंगे, नीचे वाला फैब्रिक हम 3 सूत बड़ा रखेंगे जो हमें फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से हम मार्जिन को बढ़ती रखते हुए फोल्ड कर देंगे और सिलाई इसके लव पे लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। ऊपर से हम एक लव की स्टिचिंग कर लेंगे, एक पैर की स्टिचिंग, यानी कि डबल स्टिचिंग ऊपर से करेंगे, ताकि मार्जिन भी बिल्कुल आसानी से बैठ सके। तो इस तरीके से दोनों साइड को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। पहले यहां भी हम वही तरीका यूज करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से यहाँ पे लव और फैर दोनों हम स्टिचिंग करेंगे, दोनों सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से सिलाई लग गया, अब हम इसका नीचे का ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ भी हम उसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे, नीचे का पार्ट जो है उसको 3 सूत प्लस रखेंगे, बड़ा रखेंगे जो हम फोल्ड करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हम डबल स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका मोहरी और इलास्टिक फिनिश करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से मोहरी हम 1.25 इंच का फोल्ड करेंगे ऐसे, दोनों साइड को हम फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इलास्टिक लगाकर दिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का दोस्तों। तो इस तरीके से हम मोहरी फोल्ड कर लिए। अब दोस्तों हम इलास्टिक का फार्मूला बताते हैं कि इलास्टिक का फार्मूला क्या होता है, ताकि आप हर साइज में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में आप इलास्टिक लगा सकें। तो इसका तरीका हम बहुत ही आसान दिखाएंगे इसमें। चलें अब हम इलास्टिक को नाप लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कमर आप अगर नापे हैं तो कमर के चौथाई हिस्सा करेंगे, अगर कमर का नाप नहीं है तो साइज के नाप है, तो जैसे 36 साइज है तो वहाँ पे हम 36 में कम से कम 4 इंच 5 इंच माइनस कर देंगे। अगर साइज का हिसाब है तब माइनस करेंगे, कमर का हिसाब है तो माइनस हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 4 इंच हम माइनस करके चौथाई हिस्सा कर लेंगे। उसके बाद एक हिस्सा यहाँ से हम निकाल देंगे और बाकी जो बचेगा, जैसे 24 इंच बच रहा है तो 24 इंच इलास्टिक हम इसमें यूज करेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेते हैं। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते देखते लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, इसलिए कि आपका एक लाइक शेयर हमारे मेहनत का फल होता है। तो लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेते हैं। इलास्टिक को ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों एक काम और करना होगा कि यहाँ पे हम 4 मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से एक मार्क तो हमारा ज्वाइंट के पास हो गया और 3 मार्क और हम लगाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से एक मार्क हो गया, दूसरा मार्क ये हो गया और 2 मार्क हम और लगाएंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जब हम इलास्टिक फिनिश करेंगे तो चारों तरफ इसमें नम जो है, जो गैदरिंग आती है वो बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब यहाँ भी हमें मार्किंग करना होगा। तो इस तरीके से दो तो हम मार्जिन जो इसका ज्वाइंट है उसको मान लेते हैं और 2 इसमें हम चटका लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम बैक से या फ्रंट से इलास्टिक को फिनिश कर लेंगे। तो इलास्टिक दोस्तों हम इस तरीके से फिनिश करेंगे, उल्टे की तरफ से इलास्टिक को 3 सूत मार्जिन लेते हुए कच्चा करेंगे। ये तरीका दोस्तों आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा इस तरीके से इलास्टिक लगाकर। इस तरीके से अगर आप इलास्टिक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है उसमें। यहाँ पे हम मार्किंग से मार्किंग को मिलाते जाएंगे ऐसे।
अगर आप इस तरीके से इलास्टिक फिनिश करते हैं तो जैसे बहुत से देखे होंगे कि चौड़ी पतली हो जाती है इलास्टिक फोल्ड करने में, तो ये सब दिक्कतें इसमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम कच्चा कर लिए, अब हम पक्का करेंगे इसको। देखिए कितना ही सरल तरीका है दोस्तों पक्का करने के लिए, यहाँ पे हमें फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि फोल्ड करने का इसमें कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे होंगे अपने आप से फोल्डिंग हो रही है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का। ये तरीका है आप कॉटन फैब्रिक में, होजरी फैब्रिक में, सब में कर सकते हैं। इलास्टिक लगाने का ये तरीका जो है दोस्तों होजरी फैब्रिक के लिए सबसे बेहतरीन है। तो आप कभी भी होजरी फैब्रिक में इलास्टिक लगाएं तो ये तरीका अपना कर देखें। तो इस तरीके से दोस्तों डबल सिलाई हम स्टिच कर लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।